तीन चार महीने का लाइसेंस है, इसका लाइसेंस करवाया, इसका आपका लाइसेंस नहीं है, फिर क्यों चला रहे? गलत बात है, कानूनी कार्रवाई होगी। अब बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अब अचानक ट्रैफिक के दरोगा बन गए। उन्होंने वाहन चालकों को चालान काटने की धमकी भी दे दी और एसपी साहब के साथ खड़े होकर जिन वाहन चालकों को लाइसेंस नहीं थे उन्हें जमकर फटकार भी लगाई। हालांकि उन्होंने खाकी नहीं पहनी थी, बजाय खाकी पहनने के बाद भगवान झूठ न बुलवाए, थोड़ा आदमी बदल सजाता है। गनीमत रही कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पुलिस ट्रैफिक के दरोगा जरूर बन गए, लेकिन उन्होंने खाकी वस्त्र धारण नहीं की। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड वार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। यह तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहाँ ट्रैफिक और वाहन चालकों में जागरूकता के साथ नशा करके वाहन न चलाने को लेकर एक अभियान छतरपुर पुलिस चला रही है, जिसमें एस पी आगम जैन के साथ बागेश्वर महाराज सड़कों पर उतर लोगों को समझाया। उनके हत्थे एक ई रिक्शा वाला भी चढ़ गया जिसके पास लाइसेंस नहीं था। तब बागेश्वर महाराज एसपी साहब के सामने उस ई रिक्शा वाले पर भड़क गए और उन्होंने उसे जमकर फटकार लगाई, साथ ही कहा कि आपका चालान भी कटेगा। उन्होंने नशा करके वाहन न चलाने की भी वाहन चालकों को समझाइश दी। वाहन पर सवार लोगों से भी कहा कि कोई वाहन चालक नशा करे है तो फिर उसकी शिकायत पुलिस से करो। हम बागेश्वर धाम की पूरी समिति ने और ग्राम पंचायत रक्षा सुरक्षा सेवा समिति ने सरपंच के साथ में हम सब ने मिलकर के एक संकल्प लिया है। पहला, नशा के खिलाफ पूरे क्षेत्र को, बागेश्वर धाम को नशा मुक्त करेंगे हर हाल में। हमने नारा दिया, नशा से नाश होगा, निर्धनता का वास होगा, फिर परिवार का विनाश होगा। लेकिन आए दिन कई बार आने वाले श्रद्धालुओं के साथ कई बार उपद्रव हो जाता था, कई बार ऑटो आपस में टकरा जाती थी, कई बार ई रिक्शा पलटने की स्थिति बन जाती थी। ये बड़ा चिंतनीय विषय था हमारे प्रशासन के लिए भी, बागेश्वर धाम के संचालन के लिए भी। तो हमने आज निर्णय लिया, माननीय पुलिस अधीक्षक और पूरी समिति और ट्रैफिक अधिकारी महोदय भी हैं, यहाँ के टीआई महोदय भी हैं और एसडीओपी महोदय, हम सब ने और पूरे ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों ने, ग्राम पंचायत ने मिलकर निर्णय लिया कि अब बागेश्वर धाम पर ओवरलोडिंग बंद होगी, बिना हेलमेट के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और शराब पी करके आने वाले सभी ड्राइवरों के ऊपर हर सप्ताह में प्रतिदिन ग्राम पंचायत समिति कानून के साथ मिलकर, पुलिस प्रशासन और ट्रैफिक व्यवस्था के साथ मिलकर उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करवाएगी, उनको पुलिस के हवाले करवाएगी। बहरहाल सड़क पर ट्रैफिक के दरोगा बने बागेश्वर महाराज का यह रूप भी देख लीजिए। बैठना है, ये लोग किराया ज्यादा मांगे तो किराया लेना, इनका मुंह जरूर सो रहा। अगर ये नशा कर जो दिखाई दे, नशा पीकर, नशा लेकर के दारू पी के गाड़ी चलाए, अगर उनको विरोध करना है और वीडियो बना करके छतरपुर जिलाओ छह से ज्यादा सवारी ने और मदरा पीकर ड्रग्स लेकर किसी भी प्रकार से अपन को गाड़ी नहीं चलाना। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।